आइए आज का न्यूज़पेपर समझते हैं, आर्टिकल समझते हैं 8 तारीख का। अलर्ट्स एमिट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी करने हैं किसी चीज़ का पक्का होना। अनसर्टेनिटी का मतलब सर्टेनिटी किसी चीज़ का पक्का होना, अनसर्टेनिटी गैर जो पक्का ना हो, जिसमें उतार चढ़ाव हो, अनसर्टेनिटी गैर मुतमईन हो, जिसमें कुछ भी हो सकता है। अनिश्चित सर्टेनिटी निश्चित, अनसर्टेनिटी गैर अनिश्चित। अलर्ट अलर्ट कहते हैं, अलर्ट सावधान होने का वक्त आ चुका है अनसर्टेनिटी के बीच, गैर मुतमईन के बीच, गैर पक्का के बीच। अलर्ट होने का, सावधान होने का वक्त आ गया है अनसर्टेनिटी के बीच, अनसर्टेनिटी के बीच। ठीक है, अमिट बने बीच, अनसर्टेनिटी मुतमईन, अनसर्टेनिटी गैर मुतमईन। ठीक है, गैर मुतमईन के दरमियान सावधान रहने का वक्त आ चुका है। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी किस पे है? ये अनसर्टेनिटी जो है आरबीआई होल्ड्स इंटरेस्ट रेट, आरबीआई के होल्ड करने पर, रखने पर, क्या इंटरेस्ट रेट को रोके रखने पर, हाँ इंटरेस्ट के रोके रखने पर ये अलर्ट है। हाँ, ये साइटिंग करते हुए हाल आरबीआई ने होल्ड कर रखा है, किसको, इंटरेस्ट के रेट को पकड़ रखा है, संभाले रखा है, इंटरेस्ट के रेट को अब तक बढ़ने नहीं दिया है। साइटिंग ये हवाला देते हुए किसके बारे में, इन्फ्लेशन के आउटलुक के नज़रिए के बारे में, आने वाले आउटलुक कहते हैं आने वाले नज़रिए को, इन्फ्लेशन महंगाई, हाँ इन्फ्लेशन आने वाले महंगाई के बारे में कंसर्न अबाउट, हवाला देते हुए आने वाली महंगाई के बारे में ये अलर्ट है अभी अनसर्टेनिटी के दरमियान। ठीक है, द आर बी आई हैज़ प्रूडेंटली डिसाइडेड टू कीप इट्स पाउडर ड्राई फ्रॉम नाउ, साइटिंग एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी एंड दैट कैरेक्टराइज द करेंट आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आरबीआई है ना, द किसी भी गवर्नमेंट संस्था है के सामने द लगाया जाता है, द आरबीआई है ना, आरबीआई कहते हैं हमारा जो आरबीआई है, जो बैंक का जो आरबीआई है, हैज़ प्रूडेंटली, पूरी तरह से प्रूडेंटली कहते हैं पूरी समझदारी के साथ, डिसाइड क्या है, अच्छी तरह समझ कर डिसाइड क्या, फैसला क्या है, टू कीप इट्स पाउडर ड्राई फॉर नाउ, हाँ टू कीप इट्स पाउडर आगे तैयार रहने के लिए, कीप इट्स पाउडर ड्राई का मतलब होगा तैयार रहना, आगे आने वाले दिनों में तैयार रहना, फ्रॉम नाउ फॉर नाउ अभी से, आगे आने वाले दिनों में तैयार रहना, फॉर नाउ अभी से, कीप इट पाउडर ड्राई का मतलब है आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में तैयार रहना, मुहावरा है कीप इट्स पाउडर ड्राई फॉर नाउ अब से। साइटिंग ये हवाला देते हुए द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी जो है, जो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो है, ये जो गैर पक्का यानी उथल पथल है, मतलब गैर मुतमईन है कि कब क्या हो जाए, ये खौफ जो है कि अब तक जो खौफ है, बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है, दैट कि द करेक्टराइज करेंट आउटलुक, ये बयान करता है क्या, अनसर्टेनिटी बयान करता है क्या, द करेक्टराइज करेंट आउटलुक, अभी के जो नज़रिया है फॉर इन्फ्लेशन महामारी का और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का और इकोनॉमिक इक्तसादी माली हालात का जो है, जो अभी जो ये इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए, हवाला देते हुए उसने फैसला लिया है आरबीआई ने, ऑब्जर्विंग दैट द अनप्रेसिडेंट शॉक फ्रॉम पेंडेमिक हैज़ लेफ्ट इकनॉमी स्ट्रेस। या अनसर्टेनिटी जो है, दैट जो कि अनसर्टेनिटी जो है, अनिश्चित जो है, अनिश्चित जो है, दैट करेक्टराइज करता है, क्या करता है, करेक्टराइज करता है, बयान करता है किसको, करंट आउटलुक जो है, तस्वीर जो इतना
इमेज बना हुआ है फॉर इन्फ्लेशन का, महामारी का और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इकोनॉमिक माली हालात पर जो बना हुआ है, और हाल की जो करंट जो आउटलुक है, जो तस्वीर है किसकी, इन्फ्लेशन की, महामारी की और इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि की। इकोनॉमिक को कहते हैं आर्थिक, एक्टिविटी गतिविधि, गतिविधि यानी अमल, आर्थिक गतिविधि को। द ऑब्जर्विंग दैट अनसर्टेनिटी शॉक फ्रॉम द पेंडेमिक हैज लेफ्ट द इकोनॉमिक स्ट्रेस, ऑब्जर्विंग नज़र करते हुए, देखते हुए, दैट क्या चीज़ देखते हुए, अनप्रेसिडेंट शॉक जो कि अब तक ना आने वाला जो झटका है फ्रॉम पेंडेमिक से हैं छोड़ क्या है, देखते हुए दैट क्या अनप्रेसिडेंट शॉक जो अब तक ना आने वाले शॉक, अब तक ना होने वाला अनप्रेसिडेंट जो अब तक ना हुआ हो शॉक झटका, हाँ जो अब तक ऐसा झटका ना लगा हो किससे, इस पैंडमिक से, इस महामारी से जो अब तक ना हुआ हो, हैं हैज़ लेफ्ट जो कि इकोनॉमिक को छोड़ दिया है किस में, इस तनाव में, इस यानी महामारी के तनाव में, स्ट्रेस कहते हैं तनाव में, इकोनॉमिक स्ट्रेस, इकोनॉमिक के तनाव में, झगड़े में, स्ट्रेस में। ये ऑब्जर्विंग करते हुए आरबीआई सेड आरबीआई ने कहा कि वाइल यानी ऑब्जर्विंग करते हुए कहा कि वाइल जब मैंडेटरी पॉलिसी कमेटी रिकॉग्नाइज क्या कि ये मैंडेटरी कहते हैं फरमान को, मैंडेटरी कमेटी पॉलिसी कमेटी है ये अच्छी तरह जानती है, पहचानती है, क्या पहचानती है, द प्रेमिसी इम्पोर्टेंस को, प्रधानता को, हिंदी में कहते हैं प्रधानता, इम्पोर्टेंस को, अहमियत को, प्रधानता को, किसकी, सपोर्टिंग ऑफ रिकवरी, रिकवरी मतलब आर्थिक रिकवरी जो है इसके सपोर्ट को, हाँ अच्छी तरह जानती है अहमियत को, सपोर्ट की किसकी, रिकवरी की यानी आर्थिक जो ये इन्फ्लेशन है, हाँ उनके सपोर्ट की अहमियत को अच्छी तरह जानती है, कौन सी कमेटी, ये आरबीआई ने कहा ये कमेटी जो है ये अच्छी तरह जानती है, हाँ सपोर्ट करना ज़रूरी है रिकवरी के लिए। इट वाज नेसेसरी माइंडेड ऑफ इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग द मैंडेट, हाँ क्या है, साथ ही साथ है ना, इट वाज नेसेसरी है, क्या नेसेसरी, ज़रूरी है, हाँ चकुन्ना रहने का, माइंडफुल चकुन्ना रहने का, आ गया यार माइंडफुल, ये और ज़रूरी है, नेसेसरी है माइंडफुल रखने का, चकुन्ना रहने का, ऑफ इट्स इन्फ्लेशन इसके इन्फ्लेशन का, महंगाई का टारगेटिंग मैंडेट, जो कि मैंडेट फरमान जारी किया गया है, जो कि ऑफिशियल फरमान जारी किया गया है इन्फ्लेशन में, महामारी में उसको टारगेट बनाना ज़रूरी है, ये ध्यान रखने का ज़रूरी है। अब पूरी एक तरह से समझ लीजिए, पूरी तरह से द ऑब्जर्विंग दैट, ये मुशाहिदा को जो देखा गया है दैट कि जो अब तक महामारी, जो अब तक अनसर्टेन शॉक, जो अब तक अनसर्टेन अनप्रेसिडेंटेड शॉक, जो अब तक ऐसा झिझोड़ देने वाला हैं शॉक जो लगा, झटका महामारी से पैंडमिक से पहले, दैट हैज़ लेफ्ट जो कि जो महामारी जो है हैड लेफ्ट द इकोनॉमिक स्ट्रेस को, जो ख़त्म कर दिया स्ट्रेस में जो इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया स्ट्रेस में, हाँ तनाव में यानी महामारी में। द आरबीआई सेड, इस ऑब्जर्व करते हुए आरबीआई ने कहा दैट कि वाइल द मैंडेटरी पॉलिसी, ये मैंडेटरी पॉलिसी सब्जेक्ट है यहाँ पे, मैंडेटरी पॉलिसी वाइल जहाँ के कहा है कि जब जहाँ के ये मैंडेटरी पॉलिसी जो कमेटी है
हाँ ये जानती अच्छी तरह कि प्राइवेसी की क्या कि अहम सपोर्ट करना बहुत अहम है। क्या बहुत अहम है? सपोर्ट करना बहुत अहम है किसके लिए? रिकवरी के लिए, इकोनॉमिक्स की रिकवरी के लिए। और यह है कि इट इज़ नेसेसरी है, नेसेसरली माइंडफुल है ये, और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है ऑफ इट्स इन्फ्लेशन इस महामारी में टारगेटिंग मैंडेट, जो कि टारगेट किया गया है, मैंडेट कहते हैं ऑफिशियली ऑर्डर को, जो कि टारगेट किया गया है, इससे टारगेट है हंगेट बढ़ाने का, टारगेट करने का, इसका मैंडेट का। अब यहाँ पे ग्रामर देखने की बात यह है, ऑब्जर्विंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ हुआ है, ऑब्जर्विंग अनसर्टेनिटी शॉक है, द आरबीआई सेड दैट द मैंडेटरी पॉलिसी कमेंट्री इट वाज हैं कहाँ लिखा हुआ, इट वाज वाइल मैंडेटरी सपोर्ट आ गए यार, इट वाज नेसेसरी माइंडफुल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ना, इट वाज टारगेटिंग मैंडेटरी असल में है। हाँ ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व करते हुए इट वाज टारगेटिंग मैंडेट, ठीक है। दरअसल ये है, जैसे है कि ईटिंग माई फूड आई वाज टॉकिंग विद माई मॉम, मैं खाना खाते हुए साइमल्टेनियसली दो काम करना है, बैक वक्त दो काम करना, हाँ क्या है, खाना खाते हुए मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, ईटिंग माई फूड आई वाज टॉकिंग विद माई मॉम, यही वाला पैटर्न इस समय वहाँ ऑब्जर्विंग अनप्रेसिडेंट शॉक हैं, इट वाज टारगेटिंग मैंडेट, इस तरह से है, ठीक है। द पिक्चर ये तस्वीर जो है ना ऑन प्राइस हैं कीमत पर, इट इज़ क्लाउडेड बादल की तरह छाया हुआ है, किससे, मैनी अनसर्टेनिटीज से, बहुत अनिश्चितता से, अनिश्चितता के ज़रिए ये जो है ना प्राइस पर छाया हुआ है, क्या ये पिक्चर जो है ना ऑन प्राइस पर जो पिक्चर है ये बादल की तरह छाया हुआ है, किस पर, अनसर्टेनिटी जो है ना, अनसर्टेनिटी जो है ना बादल की तरह छाया हुआ है, किस पर, प्राइस पर, कभी भी ये बढ़ सकता है। हाँ वाइल द प्रोविजनल ज्वाइन CPI इन्फ्लेशन रीडिंग 6.1% हैड एजेड ओवर द अपर बैंड ऑफ बाउंड ऑफ मैंडेट मीडियम टर्म गोल ऑफ 4% प्लस माइनस 20% 2% एंड स्पीक इन अ फूड प्राइस एज वेल एज कॉस्ट पुश प्रेशर्स फ्रॉम द हायर एजुकेशन हायर ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स एंड रॉ मटेरियल्स प्राइसेस वर कंबाइनिंग टू अब्सक्योर एंड इन्फ्लेशन आउटलुक्स। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। जहाँ प्रोविजनल जून CPI इन्फ्लेशन रीडिंग ऑफ 6.1 हैड एजेड ओवर द अपर बाउंड ऑफ मैंडेट मीडियम टर्म गोल ऑफ 6 प्लस माइनस 2 प्लस हाँ कहा गया, जहाँ जो प्रोविजनल कहते हैं ड्राफ्ट को, या टेम्प्रेरी जो कि टेम्प्रेरी जहाँ टेम्प्रेरी जो जो प्रोविजनल है था आया था इसमें जून में CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं किसमें इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रीडिंग का महंगाई के में जो CPI का जो आया था रीडिंग आया था 6.1% था, हैड जो बढ़ करके जो हैड एज ओवर बढ़त पाकर कितना हो गया था, बढ़त किस पर पाया था, ऊपर बाउंड मैक्सिमम लिमिट पर ऑफ मैंडेट मीडियम टर्म गोल, जो मैंडेट जो फरमान था ऑर्डर था ऑफिशियल ऑर्डर था
मीडियम टर्म में दरमियानी में गोल कितना, गोल किसका था, कितना कितने का गोल था, वो 4% का था, 4% प्लस माइनस 2% हैं इस तरह से जो था उस पर हैं, टू माइनस 2% जो है ना उसका क्या आई स्पाइक इन फूड प्राइस, जो उछाल जो स्पाइक कहते हैं उछाल को, इन फूड प्राइस एज वेल एज कॉस्ट पुश प्रेशराइज्ड फ्रॉम द हायर ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड रॉ मटेरियल्स प्राइस वर कंबाइंड टू ऑब्जर्व द इन्फ्लेशन आउटलुक। हाँ स्पाइस स्पाइस स्पाइक मतलब ये जो उछाल जो है ना फूड प्राइस में खाने की चीज़ों में, एज वेल एज और साथ ही साथ कॉस्ट कीमत और किसका पुशिंग प्रेशर हैं प्रेशर बढ़ाने का हैं दाम बढ़ाने का, किस में दाम बढ़ाने का और जो पुश करती है ना बढ़ाने का किसको धकेलती है किसको हैं बढ़ाने का किसको प्रेशर बढ़ाने का किसको फ्रॉम हायर हायर ट्रांसपोर्टेशन में हैं हाँ इधर से उधर में फ्यूल्स में फॉसिल फ्यूल में तेलों में एंड रॉ मटेरियल्स में और कच्चे कच्चे मटेरियल में हैं प्राइसेस में जो बढ़ाने काम कर रहा है हैं ये जो उछाल है ना स्पार्क वर हैं स्पार्क स्पाइक वर हैं वर क्या होता है कंबाइंड हो रहा है सिक्योर फ्रॉम इन्फ्लेशन आउटलुक और ऑब्जर्व हो रहा है अब सिक्योर हो रहा है किस में हैं महंगाई की नज़रिए में ये जो जो है ना पुश कर रहा है रॉ मटेरियल कच्चे कच्चे चीज़ों में कच्चे मटेरियल में हाँ प्राइस में जो पुश कर रहा है प्रेशर कर रहा है ये कंबाइन करता है किसको अब सिक्योर करने का मतलब ना अब सिक्योर करने का कि गैर हिफाजत जन जिसका हिफाजत ना उसका किसमें महंगाई में किसमें इस महंगाई में महंगाई में जो कि नज़र आ रहा है ठीक है जो महंगाई नज़र आ रहा है कहाँ गए इन्फ्लेशन आउटलुक में व्यू टू इंश्योर दैट द पॉलिसी स्टैंड्स रिमाइनिंग अन अकोमोडेटी फॉर एज लॉन्ग एज नीडेड टू रिवाइव द ग्रोथ ना ही से करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं द वेविंग वेविंग कहते कसम कान द वेविंग इंश्योर वेविंग टू इंश्योर दैट द पॉलिसी स्टैंड रिमाइनिंग अकोमोडेट फॉर एज लॉन्ग एज नीडेड टू रिवाइव ग्रोथ गवर्नर शशिकांत टेक ताकंता दास तिकंता दास एम्फिसाइज दैट आरबीआई वाज रेडी टू एक्ट ऑन अ रेट्स वंस ऑन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल रिडक्शंस इन्फ्लेशन वाज हाई साइटेड कहाँ गया द पॉलिसी हाँ द वेविंग कसम खाना वेविंग होता है कसम खाना क्या कसम खाते हुए इंश्योरिंग मुतमईन करने के लिए दैट द पॉलिसी स्टैंड्स जो पॉलिसी का जो पोस्ट है स्टैंड है द पोजिशन है पॉलिसी पोजिशन है हैं रिमाइनिंग बाकी रहेगा यानी जो बीमा स्टैंड्स है जो पोजिशन है हैं वो क्या रहेगा वो बाकी रहेगा अपनी जगह पर रहेगा और एडजस्टमेंट रहेगा एकोमोडेट करेगा फॉर अ लॉन्ग एज तब तक एज लॉन्ग एज जब तक कि नीडेड होगी किसकी रिवाइव करने की ग्रोथ की रिवाइव करने की ठीक है रिवाइव करने की जब तक के ग्रोथ को तरक्की को रिव्यू ना कर ले दोबारा ना रिव्यू ना कर ले देख ना ले हाँ गवर्नमेंट शशिकांत हाँ शशि गवर्नमेंट गवर्नर शशक्तिकांत दास एम्फसाइज दास ने क्या एम्फसाइज क्या जोर देकर कहा कि क्या कहा दैट जो आरबीआई है ना जो ये जो आरबीआई है वाज जिसका बात चल रहा है आरबीआई बैंक वाज रेडी टू एक्ट करने के लिए
करेगा, ज़रूर काम करेगा। किस पे? ऑन द रेट के ऊपर, रेट पर है, किस पर काम करेगा? रेट की कमी बेसी पर। वंस ड्यूरेबल, लंबे मुद्दत तक रिडक्शन कम करने का, इन्फ्लेशन जैसे उसको मौका मिलेगा है। वंस ड्यूरेबल हाँ, लंबे समय तक रिडक्शन पर काम करेगा, महंगाई की कमी पर, महंगाई की कमी करने पर काम करेगा। वास साइंटेड, जो देखा गया है, साइन कहते हैं देखा जाना। भैया आगे देख। फॉर नाउ हाउ एवर द प्रोजेक्शंस रिमाइनिंग लेस देन इंक्रीजिंग, अभी के लिए है ना, फॉर नाउ अभी के लिए ना। हाउ एवर प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन कहते किसको? प्रोजेक्शन कहते हैं आगे का अंदाज़ा, प्रोजेक्शन आगे का अंदाज़ा, असेसमेंट। प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? आगे का अंदाज़ा। हाँ अभी के लिए ना है ना, कहाँ चला गया? नाउ प्रोजेक्शन, अभी के लिए जो प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? प्रोजेक्शन मतलब होता है अभी का अंदाज़ा। अरे कहाँ चला गया? हाँ ये फॉर नाउ, अभी के लिए जो है ना, हाउ एवर द प्रोजेक्शन जो है, अभी का अंदाज़ा जो है, हालांकि रिमाइनिंग लेस देन, हालांकि क्या है? हाउ एवर, हालांकि लेस देन नहीं करने वाला है, लेस देन इंक्रीजिंग, इंक्रीज नहीं करने वाला, हिम्मत नहीं बढ़ाने वाला, लेस देन है, इंक्रीजिंग यानी हिम्मत नहीं बढ़ाने वाला है। दैट द लेटेस्ट राउंड ऑफ हाउस होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस, हाँ जो हाउस होल्डर्स एक्सपेक्टेशन जो है लेटेस्ट यानी हाल में जो राउंड चरण में जो है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस, प्राइस हाँ अगेंस्ट गेन इन आरबीआई सर्वे, हाँ क्या कहा कि ये जो राउंड है ना, ये लास्ट राउंड ऑफ हाउस होल्डर, घर घर जा करके, घर घर जा करके जो सर्वे किया है आरबीआई ने, हाँ क्या हाउस होल्डर्स एक्सपेक्ट करता है और प्राइस गेन करने का, इन आरबीआई के सर्वे में वो दिखाता है क्या, आरबीआई जाकर के घर घर जाके के सर्वे करता है, वो उसके से क्या दिखाता है, उस सर्वे से क्या दिखाता है? दैट हाँ दैट के सोर्स दिखाता है, दैट के द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन रिमाइंड इवेलुएट इन नियर टर्म ऑफ फाइंडिंग आरबीआई, जो हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन जो है ना किसका, आरबीआई के घर पर घर जा करके जो सर्वे है ना, शोज दिखाता है, क्या दिखाता है यहाँ पे? शोज दिखाता है दैट, वो ये दिखाता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट जो करता है, जो इसका कंज्यूमर है वो एक्सपेक्ट करता है क्या, इन्फ्लेशन जो महंगाई जो है, महंगाई तो बाकी रहेगा। इवेलुएट 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 कहते हैं किसको? ऊपर चढ़ा हुआ होना यानी बढ़ता रहना, रिमाइनिंग इवेलुएट 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 रहेगा कि इसमें नियर टर्म है, आगे दिनों तक, नियर मतलब है करीबी दिन तक, कम दूसरी बार यानी करीबी दिनों तक। अब फाइंडिंग टर्म, द फाइंडिंग दैट आरबीआई असेसमेंट ब्रॉडली बैक, हाँ तो रिमाइनिंग बाकी रहेगा नियर टर्म तक। अब फाइंडिंग दैट, हाँ फाइंडिंग फाइंडिंग करते हुए पाया, तफ्तीश करते हुए हाँ, दैट जो तफ्तीश किया आरबीआई ने, क्या असेसमेंट का ब्रॉडली जो कि बड़े पैमाने पर हाँ, बैक असेसमेंट, फिर जायज़ा आरबीआई का भी जायज़ा यही निकला हाँ, फाइंडिंग करने पर। आगे देखते हैं फिर, यहाँ पे कुछ वर्ड से देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं हाँ, एक तो पूरी मीनिंग को एक बार देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिर भी बताते हैं। प्रोजेक्शन कहते हैं, आपको तो बता दिया असेसमेंट, आगे आने वाला अंदाज़ा असेसमेंट कहते हैं इसको, जायज़ा लेना हाँ। और आगे क्या है? हाउस होल्डर्स सर्वे, तो सर्वे कहते हैं जानते ही हैं। शो द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, महंगाई एलिवेट करने, एलिवेट कहते हैं किसको? ऊपर चढ़ना यानी बढ़ना
नियर टर्म द फाइंडिंग द ऑब्जर्वेशन असेसमेंट ब्रॉडली बड़े पैमाने पर मोटे तौर पर बैक बार दोहराना है असेसमेंट को, जायजे को दोहराना, ठीक है। आगे देखते हैं, आप एक बार फिर से समझ लेते हैं। फॉर नाउ जो अभी जो है हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्शंस हैं हालांकि प्रोजेक्शंस हाउ एवर हालांकि प्रोजेक्शंस रिमाइनिंग हैं, ये प्रोजेक्शन जो है असेसमेंट जो है आगे आने वाला जो अंदाज़ा है हैं रिमाइनिंग करेगा किसको, लेस देन इंक्रीज हाँ बाकी रखेगा, इंक्रीज ना होने को लेस देन रखेगा, मतलब कम किए हुए रहेगा हैं, मतलब हिम्मत बढ़ नहीं बढ़ाएगा। द लेटेस्ट राउंड हैं ऑफ हाउस होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस गेन इन आरबीआई सर्वे, या आरबीआई सर्वे ने हाउस होल्ड करवाया इन लास्ट राउंड में है ना, आखिरी बार जो हाउस होल्डर्स घर घर जाकर हाउस होल्डर्स घर घर जाकर के जो उन सर्वे कराया है तो उससे एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस का कि क्या तवक्को हो सकती है, क्या उम्मीद हो सकती है प्राइस का गेन इन आरबीआई सर्वे में हैं, शोस इन आरबीआई सर्वे में जो दिखाया है दैट शो क्या दिखाता है, दैट शो सर्वे शोज दिखाता है क्या, दैट द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन के कंज्यूमर का जो एक्सपेक्ट है इन्फ्लेशन का टू रिमाइनिंग, वो क्या है टू रिमाइनिंग बाकी रखने का एलिवेट करने का, रिमाइनिंग एलिवेट बढ़ना एलिवेट करता है बढ़ना, रिमाइनिंग एलिवेट बढ़ता रहेगा एलिवेट करता रहेगा किसमें, इन नियर टर्म में आने वाले टर्म में हैं। फाइंडिंग अब फाइंडिंग करते हुए पता छानबीन कर फाइंडिंग करते हुए इस बात का पता लगता हुआ दैट फाइंडिंग करते हुए बात का पता लगता हुआ क्या दैट हैट का पता करते हुए दैट क्या चीज़ का, द आर बी आई असेसमेंट जायज़ा लिया है ब्रॉडली मोटे तौर पर बैक दोबारा बार बार कराया जाएगा, द ग्रोथ हाँ आगे बढ़ते हैं द प्रोग्रेसिव ऑन द इकोनॉमी इज ऑल्सो वरी सम वाइल द आर बी आई एक्सपेक्ट द रूरल इकोनॉमी टू टर्न रोबस्ट सर्वे ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग शोइंग बाई एग्रीकल्चर एंड डिटर्मनाइज इन कंज्यूमर्स सेंटीमेंट इन अ सेंट्रल बैंक्स जुलाई सर्वे undermine the prospectus for more broad-based revival in domestic demand. The prognosis on economic is also worrisome. The economic में आने वाला समस्याओं का अंदाज़ा प्रोग्नोसिस में कहते हैं, प्रोग्नोसिस कहते हैं आगे आने वाला अंदाज़ा, तो यहाँ पे आगे अंदाज़ा वाला यानी इकोनॉमिक में आगे आने वाला अंदाज़ा प्रोग्नोसिस आगे आना अंदाज़ा वाला मतलब प्रोग्नोसिस कहते हैं इकोनॉमिक में आने वाला समस्याओं का अंदाज़ा पहले इज अल्सो वरी पहले अंदाज़ा जो पहले से लगा हुआ था वो अल्सो सम वरी सम वो भी परेशान कुन था, वाइल जहाँ के आरबीआई एक्सपेक्ट रूरल्स इकोनॉमिक टू टर्न इन अ रोबस्ट रिकवरी ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग शोइंग बाई द एग्रीकल्चर, जहाँ आर बी आई ये जो आर बी आई है एक्सपेक्ट करता है क्या, किससे एक्सपेक्ट करता है रूरल इकोनॉमिक से हैं देहाती शहरी नहीं देहाती, क्योंकि इकोनॉमिक से देहाती मतलब खेती बाड़ी से देहात से गांव से
इकोनॉमिक्स के टू इन टू टर्न इनटू कहते हैं किसको, टर्न इनटू मतलब टर्न इनटू पेश करेगा, ये जो है ना टर्न इनटू करेगा, पेश करेगा किसको, टर्न इनटू याद रहे, टर्न इनटू कहते हैं पेश करने का, ये जो रूरल जो गांव तो शहरी नहीं गांव का है, जो इकोनॉमिक जो है ना टर्न इनटू करेगा, पेश करेगा इन अ रो इन अ रोबस्ट रिकवरी ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग शोइंग बाई एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के जरिए हैं इकोनॉमी को रिकवरी कर दे, अर्थव्यवस्था को रिकवर करेगा ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ, एक ऐसी मजबूती के साथ दिखाएगा जो कि एग्रीकल्चर के जरिए होगा। ठीक है, देखने वाली है प्रोग्नेसिस्ट, प्रोग्नेसिस्ट कहते हैं किसको, प्रोग्नेसिस्ट कहते हैं, ये मेडिकल वर्ड है, इसके मतलब होता है प्रोग्नेसिस्ट मतलब डायग्नोसिस, फोरकास्ट पहले से लगाना हुआ अंदाज़ा, प्रोग्नेसिस कहते हैं, वरीसम मतलब परेशान होना हाँ, वरीड मतलब वरीड और सम, वरीड मतलब होता परेशान, सम मतलब सब, वाइल जहाँ, रूरल अर्बन, क्योंकि अर्बन रूरल वाला तो है कि जॉब खो चुका है, तो आप वो हैं आरबीआई किससे उम्मीद करता है, देहात से करता है, शहरी तो बेचारे खो चुके, और स्ट्रॉन्ग सोइंग एग्रीकल्चर बैंक्स कहाँ गया, रिकवरी होने के लिए किस एग्रीकल्चर के ज़रिए, एडिटरेशन मतलब डिटरेशन कहते हैं किसको, गिरावट को, वही डिटरेशन इन कंज्यूमर हैं सेंटीमेंट इन द सेंट्रल बैंक जुलाई सर्वे, फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये प्रोग्नेसिस ऑन इकोनॉमिक इज आल्सो वरीसम हैं, ये प्रोग्नेसिस पहले से अंदाज़ा इकोनॉमिक अर्थ पहले से लगाया हुआ अंदाज़ा, प्रोग्नेसिस कहते हैं पहले से लगाया हुआ अंदाज़ा किन पर, इकोनॉमिक्स पर, यानी इकोनॉमिक में जो जो अर्थ अर्थव्यवस्था पर जो जो महामारी है हाँ उस पर जो पहले से अंदाज़ा लगाया हुआ इज़ आल्सो वरीड सम, बहुत ही चिंताजनक है, आल्सो चिंताजनक है क्या है, बहुत ही परेशान कुन है, वाइल जहाँ के आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है रूरल इकोनॉमिक्स से टू टर्न इनटू के वर्क पूरा करे, टू टर्न इनटू मतलब टर्न इन क्या टर्न मतलब कि पेश करे, किसको पेश करे, एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट कहते हैं, रोबस्ट कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी को, किस पर ऑन बैक, बैक कहते हैं पीछे पीठ, बैक किस पे, किस पे बैक ऑफ, किसके बैक ऑफ पर, स्ट्रॉन्ग मजबूत पीठ पर मतलब स्ट्रॉन्ग पीठ पर, शोइंग बाय एग्रीकल्चर क्योंकि एग्रीकल्चर के जरिए दिखाया गया, डिटरेशन इन कंज्यूमर सेंटीमीटर, अब आगे बढ़ते हैं, डिटरेशन और डिटेरिएशन, डिटेरिएशन है जो है ना, डिटेरिएशन कहते हैं गिरावट को, किस में, कंज्यूमर में, कंज्यूमर सेंटीमेंट है, कंज्यूमर के सेंटीमेंट में, और किसमें, और सेंट्रल बैंक जो जुलाई की सर्वे में उसमें है, ये क्या करता है, अंडरमाइन करता है, क्या अंडरमाइन करता है, अंडरमाइन कहते किसको, अंडर मतलब अंडरमाइन मतलब किसी को गिराना, अंडर कहते हैं अंडरमाइन कहते हैं, अंडर मतलब अंदर मतलब किसी के पैर के नीचे से मिट्टी निकालना, अंडरमाइन करना होता है, अंडर मतलब नीचे से, माइन कहते हैं मिट्टी का निकालना, इस तरह से याद रहेगा अंडरमाइन, ना किसी को कमज़ोर करना हाँ, अंडरमाइन करता है किसको, कमज़ोर करना, सॉरी कहाँ गया, हाँ जुलाई सर्वे में अंडरमाइन करता है, ये लोगों के सेंटीमेंट्स हाँ जो गिरावट है इसमें लोगों के सेंटीमेंट में भावना में, और सेंट्रल बैंक जो है कि सर्वे में हाँ अंडरमाइन करता है, ये कमज़ोर करता है कि प्रोस्पेक्टस को आने वाले दिनों में
नज़रियों को, आने वाले क्या होने वाला है उस तवक्को को, प्रोस्पेक्टस उसको कहते हैं जो आने वाला है, जैसे कि कोई चीज़ कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो इस प्रोस्पेक्टस निकालता है उसमें, यानी आगे आने वाले की बात बताता है कि आगे आने वाला हम इससे ये करने वाले। तो ये अंडरमाइन करता है, ये कमज़ोर करता है, क्या कमज़ोर करता है, डिटरमाइन डिटरेशन करता है, ये जो गिरावट है कंज्यूमर के भावना के साथ और सेंट्रल के सर्वे की बैंक के सर्वे के सर्वे सर्वे से है, ये डिटरमाइन करता है, कमज़ोर करता है क्या आगे आने वाला प्रोस्पेक्टर से फॉर मोर ब्रॉडकास्ट, एक बड़े पैमाने पर सर्वाइवल सर्वाइवल इन डोमेस्टिक डिमांड, जो कि डोमेस्टिक डिमांड का ये हो रहा है, डोमेस्टिक यानी घरेलू